क्या हो गया? मनुष्य में लिंग निर्धारण, चल नहीं रहा है। यहाँ लिखना पुरुष जनन तन, जनन कोशिका, जनन कोशिका कोशिका, और यहाँ स्त्री, स्त्री जनन कोशिका, जनन कोशिका। अब 22 जोड़े जो पाए जाते हैं इसमें भी और इसमें भी 22 जोड़े, एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, और इन सभी के भी समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। ये क्या होता है अभी समझ में आएगा। तो 22 जोड़े जो होते हैं समान होते हैं पुरुष में भी और क्या स्त्री में भी, ये 22 जोड़े समान होते हैं, जिसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स, सोम्स। और एक जोड़ा भिन्न होता है। एक जोड़ा क्या भिन्न होता है? एक जोड़ा भिन्न होता है, इसमें भी एक जोड़ा भिन्न होगा। एक जोड़ा क्या होगा? भिन्न होगा। और ये टोटल कितने होंगे? इसमें भी 23 जोड़े होंगे। और 23 जोड़े का मतलब 2 का गुना कर दोगे तो 46 गुणसूत्र, कितने? 46। इस साइड भी यही होगा, 23 जोड़े और गुना करोगे 2 का तो 46 से गुणसूत्र हो जाएगा, कितने? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब एक जोड़े जो भिन्न होते हैं पुरुष में यक्ष वाई होते हैं, क्या होते हैं? वाई। और स्त्री में यक्ष यक्ष होते हैं, यक्ष यक्ष होते हैं। अब इनके बीच समसूत्री विभाजन होता है, विभाजन होता है। तो इनका यक्ष और इधर से क्या ये यक्ष, तो डबल यक्ष हो जाएगा, डबल यक्ष। पुनः यहाँ वाई और यहाँ यक्ष, ये क्या यक्ष। तो जो संतान होगा ये क्या होगा? लड़की होगा, क्या? लड़की। और ये लड़का होगा। ये तो प्रथम पीढ़ी हो गया, क्या? फर्स्ट। अब इसी का संदर्भ दूसरी पीढ़ी में देखते हैं। तो इनका यक्ष, इनका यक्ष मतलब डिपेंड किस पर होता है? पुरुष पर, लड़का हो या लड़की, ये किस पर डिपेंड होगा? पुरुष पर, महिला पर दे। इसका यक्ष और इसका वाई, इसका यक्ष और इसका वाई। पुनः देखते हैं तो इसका ये यक्ष और इसका यक्ष, इसका यक्ष दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नॉट है। चलो इसे लिख लो, लिख लो। तो पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में शुक्राणु होता है, क्या होता है? शुक्राणु। और स्त्री में अंडाणु होता है, अंडाणु। अब देखो इसका यक्ष, इसका यक्ष और इधर से यक्ष, इधर से यक्ष। अब पुनः इसका यक्ष और इधर भी यक्ष। अब वाई वाला टर्म है, जैसे आपको मेंडल के नियम में बताया गया था ना, ए वाई और इसका यक्ष, ए वाई और इसका क्या? यक्ष, यक्ष। तो यदि यक्ष यक्ष होगा तो ये क्या होगा? लड़की, क्या होगा? लड़की। ये भी लड़की, लड़की। और ये क्या? लड़का, ये क्या? लड़का। ये भी लड़का, ये भी लड़का। तो निर्धारण किस हो रहा है? पुरुष जनन कोशिका से, शुक्राणु से हो रहा है कि लड़का होगा या लड़की। लेकिन 50% चांस
लड़का या लड़की, लड़का या लड़की, ऐसा नहीं कह सकते कि 100% यही होगा, 50-50 आधा आधा, यही है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री समविभाजन, है ना, अर्धसूत्री समविभाजन यही किस पर डिपेंड होगा, ए पुरुष पर, और स्त्री का इसमें क्या होगा, यक्ष यक्षी और ए यक्ष वाई, लड़की किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, और लड़का इस कंडीशन में, समझ में आ गया, लिख लो बना लो। ऐसे ही मेंडल के जो अनुवांशिकी के जनक थे ग्रेगर जान मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, वो भी ऐसा ही नियम दिए थे, जो कैपिटल टी और क्या स्मॉल टी का जब संकरण कराए थे, क्रॉस कराए थे, तो कुछ ऐसे ही आकृति बना था, पृथककरण वाले में, प्रभाविता वाले में नहीं, उसमें तो फर्स्ट जनरेशन में देखा गया था, प्रथम संतानी पीढ़ी में। तो ये कंडीशन होता है लड़का लड़की का 50-50% होता है, कितना 50-50% होता है लड़का लड़की का। तो ऑटोसोम्स किसे बोलोगे, 22 जोड़े जो सेम होते हैं उसी को क्या बोलोगे, ऑटोसोम्स बोलोगे। पुरुष जन्म कोशिका में 22 जोड़े और स्त्री जन्म कोशिका में 22 जोड़े, एक जोड़ा क्या होता है, भिन्न होता है पुरुष और स्त्री में, और टोटल मिलाकर 23 जोड़े, और 23 में 2 का गुना करोगे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 इसमें और 46 इसमें। और जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो तब लड़का या लड़की का जन्म होता है।